अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हदीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मदीन और आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 3 को। इससे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इसके ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और उसको हमने एक्सपीरियंस भी किया था सैमसंग के ऑफिशियल आउटलेट पे। लेकिन अनबॉक्स करने का मकसद ये है कि रिटेल यूनिट के अंदर आपको बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो देख लेना, और उसके अलावा जिसमें वॉचेज मिल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी फ्लिप 3 195,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। उसके साथ आपको कुछ वॉचेज भी मिल रहे हैं 24,000 रुपीज़ के, जो कि आप सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ एसेसरीज अलग से इसके जो बाय करने वाली चीजें हैं वो बाय कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिलने वाला है, तो आप चार्जर बाय करना चाहते हैं या फिर इसके साथ मजीद कोई एसेसरीज बाय करना चाहते हैं तो वो आपको उस पर वाउचर मिलेगा। इसके अलावा इसमें 70% का ऑफ भी मिल रहा है स्क्रीन रिपेयर पे, यानी अगर फर्स्ट टाइम पे आपसे डिवाइस गिर जाती है अचानक से, वैसे तो काफ़ी ड्यूरेबल है, कॉर्निंग लगा इसकी विक्टर्स प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन फिर भी इस तरह से गिरती है कि टूट जाता है, तो आपको 45,000 रुपये तक का यहाँ पे ऑफ मिलेगा इसके रिपेयर पे। और सबसे महंगा इसमें ग्लास ही लगा हुआ है तो उसको सेव करना ज़रूरी है। ड्यूरेबल काफ़ी डिवाइस है, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन में बता चुका हूँ, एक्सपीरियंस किया था आउटलेट पे, उस पर भी मैंने आपको बताया था किस तरह की ड्यूरेबिलिटी है। तो निकाल के देखते हैं बॉक्स एसेसरीज क्या मिल रही हैं, डिवाइस कैसी है देखने में। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बॉक्स है हमारे पास जी फ्लिप 3 का, जिसपे 5G मेंशन है और बड़ा सा जी मेंशन है। तो बॉक्स को देख के ही लग रहा है कि इसमें एक कॉम्पैक्ट साइज़ की डिवाइस है, बहुत स्मॉल, क्योंकि फ्लिप हो जाती है तो आई थिंक मेरे ख्याल से फ्लिप होकर रखी हुई होगी। और बहुत स्लिम बॉक्स बनाया है, बॉक्स कंटेंट बॉक्स बहुत हल्का है, मुझे नहीं लगता इसमें शायद चार्जर वगैरह में इंक्लूड होगा, वैसे भी चार्जर अलग से ही आ रहा है। तो उसको सबसे पहले रैपिंग उतार लेते हैं। रैपिंग उतारते ही बैक साइड पे कुछ यहाँ पे वारंटी कार्ड स्टिकर्स मिल रहे हैं, वारंटी कार्ड है सॉरी। इसके अलावा ये जी फ्लिप 3 का एक आपको जैसे मैंने बताया था कि वॉचर्स हैं, किस तरह व्हील करना है उसके बारे में पूरा मेंशन है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन है किस तरह सैमसंग मेंबर की ऐप आपने ओपन करनी है, किस तरह बेनिफिट में जाना है, बेनिफिट बैनर है, डाउनलोड करना है वाउचर को, फिर वाउचर कोड कॉपी करना है, फिर लिंक पे क्लिक करना है, फिर ऐड करनी है प्रोडक्ट को जाके, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये स्टेप 9, 10, स्टेप 11 और स्टेप 12 पे चेकआउट कर दिया आपने, और जो प्रोडक्ट आपने बाय करनी है इस वाउचर के थ्रू वो आप बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ वाउचर्स मिल रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स। उसके बाद हम इसकी सील काट लेते हैं। तो ये फ्लिप में नहीं रखी हुई, अनफ्लिप रखी है, सबसे ऊपर ही हमारी डिवाइस रखी हुई है। इसको निकालते हैं रैपिंग से बाहर। वाओ, ये है हमारे पास इसका ऑसम ब्लैक कलर। और सबसे पहले मैं आपको फ्लिप करके दिखा देता हूँ जो कि इसका इंटरेस्टिंग फीचर है, या इसको कह सकते हैं सबसे ज़बरदस्त चीज़। यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग हुई हुई है और ये हो गया इसका कॉम्पैक्ट साइज़। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है ना इस डिवाइस की, फोल्डेबल होने के बाद उसका कॉम्पैक्ट साइज़ है, 4.2 इंच का बन जाती है। तो मुझे दोनों में अगर बात करूँ, मुझे फोल्डेबल्स और फ्लिप के अंदर, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया फ्लिप। इसको ऑन करते हैं, सैमसंग का लोगो आ गया। जब तक ऑन हो रही है मज़ीद देख लेते हैं बॉक्स में कंटेंट हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ का बॉक्स है। बैक साइड पर सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है, और इस बॉक्स में अगर हम देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे एक केबल मिल रही है, चार्जिंग केबल, जो कि बहुत साइड से टाइप सी कनेक्टिविटी है, यानी आपको टाइप सी कनेक्टिविटी टू फ्रॉम टाइप सी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और ये क्विक स्टार्ट गाइड हमें मिल रही है। तो ये वो एसेसरीज़ हैं जो चीज़ें हमें बॉक्स में मिल रही हैं जी फ्लिप 3 के। जिस तरह से मैंने आपको बताया था चार्जर इंक्लूड नहीं है, तो आपको जो 24,000 रुपीज़ का वाउचर दिया गया है तो उसमें आप इस तरह का कोई चार्जर बाय कर सकते हैं अलग से। इसके साथ साथ चार्जर के अलावा कुछ हैंड फ्री या फिर कुछ केसेस वगैरह आप बाय करना चाहते हैं, इसके केसेस भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, तो केसेस बाय करना चाहते हैं तो उस वॉचर को आप यूज़ करते हुए इस तरह से इसके अलग से एसेसरीज बाय कर सकते हैं। अब हम डिवाइस को ऑन करते हैं और डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। तो डिवाइस यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है जी फ्लिप 3। सबसे पहले डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। राइट साइड पे पावर ऑन ऑफ की हमें मिल रही है और यही इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, ये ज़्यादा मुझे पता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मुझे पसंद है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। इसके अलावा वॉल्यूम रोकर्स मिल रहे हैं ऊपर की साइड पे, और अप साइड देखें तो अप साइड पे आपको यहाँ पे सिर्फ एक ईयर पीस मिल रहा है, नॉइस कैंसिलेशन का माइक लगाया गया है। इसके अलावा कुछ रिबन भी मिल रही हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है और यहाँ पे सिंगल स्लॉट दी गई है, यानी सिर्फ एक सिम लगा सकते हैं और दूसरी ई सिम की सपोर्ट होगी। यहाँ पे नीचे की साइड पे देखते हैं, यहाँ पे बीच में दोबारा से कुछ रिबन्स मिल रही हैं, रिबन्स है इसकी।
इसके अलावा डाउन साइड पर देखते हैं तो स्पीकर ग्रिल है, चार्जिंग जैक मिल रहा है, टाइप सी कनेक्टिविटी और कुछ माउथ पीस मिल रहे हैं, दो माइक लगाए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ऑडियो जैक नहीं मिल रहा, तो आपको अगर हैंड फ्री यूज़ करनी होगी तो आप थ्री आप टाइप सी हैंड फ्री लगाएं या फिर आपको एक कनेक्टर यूज़ करना होगा। बैक साइड पर देखते हैं डिवाइस की, तो बैक साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस डिवाइस की फ्लिप, जो कि डिवाइस बन जाती है बहुत छोटे साइज़ की, कॉम्पैक्ट साइज़ बन जाता है। और मुझे ज़्यादा, मैंने जैसा आपको बताया स्टार्टिंग में, फ़िलिप ज़्यादा पसंद है फोल्डेबल के मुकाबले में, क्योंकि आप इसको आराम से सिंगल एंड पे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्मार्टफोन, फुल साइज़ डिस्प्ले 6.7 इंच के अंदर, और फिर आप इसको एज अ पॉकेट में रख सकते हैं 4.2 इंचेस के डिस्प्ले साइज़ के अंदर। और यहाँ पे नोटिफिकेशन सारे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टाइमिंग भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और यहाँ पे म्यूज़िक प्ले काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, अलार्म भी लगा सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं, विगेट्स ऐड भी कर सकते हैं कुछ आपने ऐड करना हो तो। अभी यहाँ पे कुछ इस तरह के नोटिफिकेशंस आपको नज़र आ रहे होंगे, क्लियर कर देते हैं सारे नोटिफिकेशंस को। तो फ्लिप करने के बाद अनफ्लिप करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6.7 इंच का डिस्प्ले बनता है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है 1080x2640 पिक्सल्स का, जिसमें 426 PPI की पिक्सल डेंसिटी हमें मिलेगी। HDR 10 प्लस की सपोर्ट यहाँ पे मिल रही है और मैक्सिमम ब्राइटनेस यहाँ पे 1200 निट्स की मिल रही है, यानी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की होगी, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। मैंने ब्राइटनेस 10 पे फुल कर दी है और वाइड स्क्रीन पे भी हम देख लेते हैं, तो वाइड स्क्रीन पे भी आप सकते हैं, वाइड्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी कम करनी होगी विजुअल्स के लिए, थोड़ी सी हम ब्राइटनेस को मिड में रख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट की है लास्ट जनरेशन के मुकाबले में, आपको पता होगा जब एक डिवाइस ये लॉन्च हुई थी इस फर्स्ट टाइम पे, फोल्डेबल्स या फ्लिप की बात करें तो वो टेस्टिंग डिवाइस होती हैं, नए आइडिया पे काम किया था सैमसंग ने फर्स्ट टाइम पे इसको लेकर आए थे, तो उसके बाद जो उसमें कुछ इश्यूज़ आए उसको रिजॉल्व किया सेकेंड जनरेशन में, और ये थर्ड जनरेशन है उसमें काफ़ी सारे मसले हल कर दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेबिलिटी को लेकर इशूज़ था, क्योंकि कोई भी सिंगल पर्सन 3 लाख रुपये या 2 लाख रुपये की डिवाइस पे खर्च करता है, तो सबसे ड्यूरेबिलिटी को लेकर कंसर्न होता है, क्योंकि दिन में कई दफ़ा डिवाइस फोल्ड, फ्लिप और अनफ्लिप होती है, तो उसको लेकर कंसर्न होता है कि डिवाइस जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाएगी, स्क्रीन के ऊपर कोई लाइनिंग या कोई इस तरह के डैशेज वगैरह या फिर स्क्रीन टूट तो नहीं जाएगी, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होता है। जो तो सैमसंग ने समझते हुए सबसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी पर काम किया है, यहाँ पर आपको कॉर्निंग ग्रिल ग्लास की विक्टस प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पर, और इसके अलावा जो फ्रेम यहाँ पर लगाया है वो आर्मर अल्मोनियम का फ्रेम लगाया है, जो कि सबसे थिकेस्ट मटेरियल है अभी तक का जो कि आर्म मटेरियल में यूज़ होता है। यहाँ पे आर्म अल्मोनियम फ्रेम लगाया गया है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की विक्टस प्रोटेक्शन के साथ। इसके अलावा IPX8 की वाटर रेजिस्टेंट भी मिल रही है, 30 मिनट तक 1.5 मीटर पानी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हालांकि इससे पहले फोल्डेबल्स या फ्लिप फोन्स के अंदर कोई इस तरह की वाटर रेजिस्टेंट नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर आपको वाटर रेजिस्टेंट भी दी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो फ्रंट स्क्रीन है ये 1.9 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाली स्क्रीन मिल रही है, यानी फ्रंट साइड पे भी आपको सुपर एमोलेड इसका टच आप देख सकते हैं, इसका रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं सुपर एमोलेड के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है, टच बहुत अच्छा है सुपर एमोलेड होने की वजह से, कलर्स डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है 1.9 इंच के अंदर भी, और 6.7 इंच के अंदर भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फोल्डेबल डायनेमिक एमोलेड नाम दिया है 2x का, और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है यहाँ पे भी। तो एक फ्लैगशिप वाली स्पेक्स दी गई हैं एक स्टाइलिश स्मार्टफोन के अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन चीज़ों के पैसे लिए जा रहे होंगे, मतलब फ्लिप फोन बनाया है, नया आइडिया है सैमसंग हैवी पॉइंटर फ्लिप्स और फोल्डेबल्स के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे रिफ्रेश रेट को भी हाई रखा गया है, यानी तमाम स्पेक्स हाई प्रोवाइड की गई हैं, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा, और डिवाइस का वेट भी इतना नहीं है। लास्ट जनरेशन के अंदर थोड़ा सा वेट को लेकर भी इशू था, कुछ कस्टमर्स ने शिकायत की थी फोल्डेबल्स या फ्लिप फोन्स भारी थे, लेकिन यहाँ पे 183 ग्राम डिवाइस का वेट रखा गया है, बहुत लाइट वेट है, अनफोल्ड भी और फोल्डेड भी बात करें तो ये 4.2 साइज में बहुत लाइट वेट डिवाइस है, आराम से पॉकेट में आ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा जगह बचेगी पॉकेट में आपको कुछ और रखने के लिए भी, आप इसको अनफोल्ड अनफ्लिप भी रख सकते हैं और फ्लिप करके भी रख सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा डिज़ाइन डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी बहुत पसंद आई, सैमसंग ने ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा कंसर्न था ड्यूरेबिलिटी को लेकर, क्योंकि लास्ट जनरेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स किए गए हैं। इसके अलावा कैमरा सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो कैमरे हैं, फिर बैक साइड पे 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और दूसरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, दोनों 12 मेगापिक्सल के हैं। मेन कैमरे में अपर्चर होगा f1.8 का और 12 अल्ट्रा वाइड के अंदर अपर्चर होगा f2.2 का। यहाँ पे OIS की सपोर्ट भी है, डुअल पिक्सल PDF की सपोर्ट भी मिल रही है और LED
और HDR पैनोरामा के फीचर्स भी मिल रहे हैं। कैमरा फीचर्स भी देख लेते हैं। अच्छा, फ्रंट साइड पे भी कैमरा लगाया तो गया है 10 मेगापिक्सल का। भी कैमरा फीचर्स अगर हम देखें जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ अनबॉक्सिंग की वीडियो है, इस पर डिटेल रिव्यू अलग से बनाएंगे। या तो यहाँ पे कैमरे के अंदर फिल्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है, आपके पास एस्पेक्ट रेशियो है, उसके अलावा वाइड एंगल का ऑप्शन है, 0.5x पे वाइड एंगल की पिक्चर ले सकते हैं, और 10x का मैक्सिमम जूम मिल रहा है। 1x दोबारा 0.5x पे आते हैं, 1x पे नॉर्मल है। इसके अलावा वीडियो सेक्शन में आते हैं तो वीडियो सेक्शन में आपको स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन भी है, यानी OIS की सपोर्ट है। इसके अलावा फुल HD प्लस और अल्ट्रा HD प्लस, यानी कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps पे भी कर सकते हैं, 30fps पे, फुल HD प्लस 60fps पे भी कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। मोर के फीचर में जाते हैं तो AI डूडल्स प्रो, पैनोरामा, फूड, नाइट, पोर्ट्रेट वीडियो, पोर्ट्रेट प्रो वीडियो, स्लो, सुपर स्लो मोशन, डायरेक्टर्स व्यू और हाइपरलैप्स के ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड मिलता है, सिंगल टेक का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स एक साथ कैप्चर करता है, और उसमें आप अपनी मर्जी की पिक्चर जो आपको अच्छी लगी उसको रख सकते हैं। तो ये कुछ कैमरा फीचर्स हो गए, बाकी कैमरा सैम्पल्स कैसे होते हैं वो इसके रिव्यू में शेयर करेंगे। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन 888 5G चिपसेट यहाँ पे लगाई गई है, 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस करती है, तो सारी चीज़ें फ्लैगशिप वाली हैं, तो यहाँ पे चिपसेट भी फ्लैगशिप की लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्टा कोर CPU है और GPU होगा एंड्रीनो 660 का। और आउट द बॉक्स देख लेते हैं डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाते हैं तो आउट द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे आती है डिवाइस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और जो कि बेस करता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड्रॉइड 11 बेस करता है UI 3.1 पे, और ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे ज़्यादा मुझे सैमसंग की UI पसंद है, सबसे ज़्यादा ऑप्टोमाइज है, और अभी तक इस तरह की कोई हैंगिंग वगैरह, कोई लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिली। बैटरी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ पे 3300 mAh की बैटरी लगाई गई है, और ये 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम है, क्योंकि फ्लिप वाली डिवाइस से आपको खुद अंदाज़ा होगा फ्लिप के अंदर बैटरी की ऑप्शन कम होती है, तो इसलिए यहाँ पे कम बैटरी लगाई गई है। लेकिन टेस्ट करेंगे कि कम होने के बावजूद भी कितनी देर चल रही है, इसके रिव्यू में आपको बताऊँगा ड्रेन टेस्ट कैसा है इसका और स्टार्ट टाइमिंग क्या है। इसके अलावा सेंसर्स के अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद है, इन डिस्प्ले या फिर बैक साइड पे होने के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जेरो का सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी कॉम्पास एसिलोमीटर सारे सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और कलर्स के बारे में बताना भूल गया, इसके अंदर इस दफ़ा काफ़ी सारे कलर्स को इंक्लूड किया गया है, इससे पहले फ्लिप के अंदर आपको इतने सारे कलर्स नहीं मिलते थे। यहाँ पे मेरे पास ये इसका फैंटम ब्लैक कलर है, इसके अलावा इसमें ग्रीन कलर भी आता है, एक क्रीम कलर भी आता है और एक लेवेंडर कलर भी आता है। वाइट, पिंक और ग्रे के ऑप्शन भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये 4 कलर्स आए हैं, ब्लैक, ग्रीन, लेवेंडर और क्रीम कलर। क्रीम कलर न्यू एडिशन है। इसके अलावा वाइट, पिंक और ग्रे कलर ग्लोबली मौजूद हैं। तो स्पेसिफिकेशन वाइज, लुक वाइज डिवाइस मुझे बहुत पसंद आई है Z Flip। अच्छा, आप इसको इस तरह से रख के भी यूज़ कर सकते हैं, और जब आप इसमें कैमरा ओपन करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कैमरा ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं सिंगल स्क्रीन पे, एज अ लैपटॉप की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिवाइस का लुक, डिज़ाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। फीलिंग्स चेक करें, यहाँ पे फीलिंग्स काफ़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। किसी स्मार्टफोन को आप इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं, अंदाज़ा नहीं हो रहा, आप इसको देखें स्क्रीन पे, पता भी नहीं चलता कि स्क्रीन फ्लिप हो रही है या अनफ्लिप हो रही है, स्क्रीन बनाई इस तरह से गई है। डिवाइस मुझे बहुत पसंद आई, आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।